मणिपुर हिंसा पर देश की संसद ठप है, लेकिन दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर इस वक्त मणिपुर के हालात क्या हैं? आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जब भी दुनिया के किसी भी कोने में हिंसा होती है तो उसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है और मणिपुर की स्थिति इससे बिल्कुल अलग नहीं है। लगभग 3 महीने होने को आए हैं, हिंसा खत्म नहीं हो रही है। एक राज्य, एक ही देश का राज्य लगभग, जिसकी सारी सीमाएं एक हैं, आज वो राज्य दो हिस्सों में नहीं बल्कि दो समुदायों में बटा हुआ है। दुश्मनी ऐसी हो गई है कि जो दशकों तक एक साथ खाना खाते थे आज एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। नफरत की आग ऐसी कि अब आम की मिठास भी यहाँ कड़वी लगती है। रिश्तों की खाई इतनी गहरी है कि भाईचारे से भरोसा उठ चुका है। यहाँ अब इन कटीले तारों से बांटे गए इलाके की तरह हिंसा के बाद दिल भी बट गए हैं। आज हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये इम्फाल वेस्ट के उस सीमावर्ती इलाके की है जहां पर मेईतेई और कुकी समाज एक दूसरे के आसपास रहा करते थे और अब कुछ इस तरह लकीर खींच गई है, सड़कों पर लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया है और उस लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ रहती हैं मेईतेई समाज की महिलाएं जो आज हिंसा की पीड़ित भी हैं, लेकिन यहां पर खड़े होकर अब वो अपनी सीमाएं, अपने इलाके, अपने बच्चे, अपने परिवार की हिफाजत करती हैं। जगह जगह पर बैरियर लगाए गए हैं। जिस तरफ कुकी समाज रहता वहां से आने वाले हर गाड़ी की तलाशी, हर किसी से पूछताछ और उसके साथ ही अगर इस तरफ से कोई शख्स, कोई गाड़ी या कोई भी वाहन उस तरफ जाने की कोशिश करता है ये महिलाएं उनसे पूछताछ करती हैं। ये मेईतेई समाज की महिलाओं का चेकिंग पोस्ट है। आरोप यही है कि हिंसा का दौर अभी तक थमा नहीं है। दूसरे समुदाय की तरफ से बम और बारूद से हमले जारी हैं, लिहाजा अपने परिवार की आत्मरक्षा के लिए सड़कों पर है। गोली भी आते हैं, बॉम्ब अवर भी सब आते हैं। हम लोग भी ये झगड़ा होके इसके साउंड भी बंद हो गया ना, इसके लिए यहाँ हम लोग चेक। आपने कभी सोचा था कि आपके अपने शहर में ऐसा एक बॉर्डर बन जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसके दूसरी तरफ रहने वाले जिनके साथ आप कभी खाना खाते थे आज वो आपके दुश्मन बन गए? दुश्मन हम तो नहीं बनता है ना, दुश्मन तो बोलू ने बन गया ना, हम लोग तो फ्रेंड हो गया, हम लोग ने फ्रेंड हो गया, पास भी हम सब फ्रेंड हो गया ना। ये हमारी अभी इसी में हम तो बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो गया हमारा तो। अभी ये हमारी बाजार का जाने का भी कोई हम लोगों को उपाय नहीं है। इधर में सुरक्षा के लिए रात भर ड्यूटी करके, रोटेशन करके सब महिलाएं रहता है और घर जलाते हुए लोग उधर से आता है ना, वो लोग के लिए सहायता भी किया हमने। और वो पहाड़ के पास, बॉर्डर के पास रहता हुआ लड़की लोग, वो क्या बोलेगा, हम लोगों के वो माँ बनी हुई है, वो लोगों की सहायता के लिए हम लोग इधर से उधर से करके रहता है। मेईतेई समाज की इन महिलाओं का कहना है कि पहले मणिपुर में सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ नफरत और नफरत है। खाना खा जाती है, बैठना चाहती है, बोलू यहाँ आ गया फेयर विद यहाँ से, मैंने हम लोग ने उसको खरीद हो गया ना, हम लोग का चावल इसने ले गया सब, हम लोग से खेती भी हम सब करता है ना, खेती भी करता है, हमारा खेती भी उसने हो गया। वो लोग के लिए हमने बहुत प्यार करते है ना, अभी तो झगड़ा हो गया, अभी तो दुश्मन बन गया, हम लोग तो बहुत दुख हो गया। कई सालों से एक साथ रह रहा है, लोग के साथ खाते हैं पीते हैं, वो लोग सब्जी बेचने के लाते हैं, हम लोग खरीदते हैं, हम लोग का चावल वो लोग खरीद के सब खाते हैं, एक साथ रहते हैं, मगर ऐसा होगा हम लोग ने कभी नहीं सोचा था। किसी को नहीं पता दो समाज के रिश्तों में आई ये खाई कब और कैसे पटेगी। इन कटीले तारों के इस पार भी मणिपुर के पश्चिम इम्फाल की सीमा है और कटीले तारों के उस पार भी इम्फाल के एक ही जिले की सीमा है, लेकिन आज एक ही जिले में ये लाइन ऑफ कंट्रोल जैसी सिचुएशन क्यों देखनी पड़ रही है? क्योंकि ये राज्य दरअसल अब दो समूहों में बट गया है, जहां एक तरफ कुकी समुदाय है, दूसरी तरफ मेईतेई, और इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए बढ़ गई है, क्योंकि कुकी समुदाय जब मेईतेई इलाकों में जाते हैं तो उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता है और जब मेईतेई समाज के लोग ऊपर के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहां की जान को खतरा महसूस होता है।